गाइस, मैं ज्योति विश्वकर्मा आपकी होस्ट और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल यस टेरा न्यूज में। दोस्तों को बता दूं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती आज एक ऐसा नाम बन चुकी है शायद जिसे देश में कोई ना जानता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रिया चक्रवर्ती को हर कोई बहुत बखूबी जानता है। वेल, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती को बहुत ही नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा था। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक रिया चक्रवर्ती पर कई भद्दे कमेंट्स भी किए गए थे, उनके को लेकर बहुत ही नेगेटिव बातें भी की गई थी। लेकिन हालांकि एक्ट्रेस ने सभी नेगेटिविटी को लेकर बहुत ही डटकर इसका सामना किया है और अब उनकी जो जिंदगी है उस सही पटरी पर चलती भी नजर आ रही है। वह दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के एक साल के बाद अब रिया चक्रवर्ती ने अपना एक हैप्पी पोस्ट शेयर किया है। इंस्टाग्राम पर रिया चक्रवर्ती ने अपनी एक सेल्फी पोस्ट की जहां पर वो मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। वेल, आपको बताना चाहूंगी कि रिया चक्रवर्ती का ये अंदाज उनके फैंस को पसंद आ रहा है। दोस्तों खास बात तो यहाँ भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिया चक्रवर्ती ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैप्शन लिखा है, जहां उन्होंने कैप्शन में लिखा है राइज एंड शाइन, जिससे साफ जाहिर होता है कि रिया चक्रवर्ती अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। अब बता दें आपको कि रिया चक्रवर्ती का ये फोटो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है और फैंस का ये अटेंशन भी पा रहा है। वह दोस्तों को बताना चाहूंगी कि रिया चक्रवर्ती को लेकर बहुत से बयान ऐसे सामने आ रहे हैं कि जल्द ही वो बिग बॉस 15 में नजर आने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती बिग बॉस 15 में नजर आने वाली है, जहां पर ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि उनके ऑपोजिट अंकिता लोखंडे भी नजर आने वाली है, जहां पर अंकिता लोखंडे ने साफ बता दिया है कि वो बिग बॉस 15 का हिस्सा नहीं होने वाली है। तो वही रिया चक्रवर्ती की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है कि क्या वो बिग बॉस 15 का हिस्सा होने वाली है या फिर नहीं। लेकिन अगर बिग बॉस 15 में आती है तो जाहिर सी बात है कि सलमान खान के कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो यानी कि बिग बॉस 15 की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हर कोई सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े सभी मामले को जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अगर ऐसे में होता है कि रिया चक्रवर्ती बिग बॉस 15 में आती है तो जाहिर सी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी यहाँ पर उनकी जो मौत से जुड़े मामले को लेकर बहुत से खुलासे बिग बॉस 15 में होने वाले हैं, जिसका सीधा असर बिग बॉस 15 की टीआरपी पर होने आने वाला है। वही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने बैंड्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती पे कई कानूनी पेश भी दायरे किए गए थे। वही आपको बता दूं कि सितंबर के महीने में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में भी गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि उसके बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी। वही दोस्तों मैं बता दूं कि फिलहाल अभी भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर काफी केसेस चल रहे हैं, जिसको लेकर रिया चक्रवर्ती को अभी भी बरी नहीं मिली है। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।